हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन के समय यानी कि स्लाइड बदलते समय साउंड कैसे ऐड करते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर हमें स्लाइड चेंज करते समय साउंड ऐड करना है, तो इसके लिए हमको ऊपर के रिबन में ट्रांजिशन टैब में जाना है। ये रहा ट्रांजिशन टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए और यहाँ पर देखिए, ये है साउंड का ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अप्लॉज साउंड ऐड है। अब यहाँ पर इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और अपना मन चाहा साउंड इफेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम कैमरा ले लेते हैं, ये हमने कैमरा सेलेक्ट कर लिया। अगर आप सिर्फ एक स्लाइड के लिए चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारी स्लाइड पे ये ऐड हो तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हमने क्लिक कर दिया, अब ये सब पर अप्लाई हो चुका है। अब देखिए, जब हम स्लाइड शो शुरू करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से देखिए हम स्लाइड इस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शुरू हो जाएगा। और ये देखिए कैमरे का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है। अब जब एरो लेफ्ट एरो या राइट एरो से आप आगे पीछे साउंड करेंगे तो ये देखिए कैमरे का साउंड ऐसे आएगा। ठीक है,